नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SSPS सलवार पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जो कि साइंस से रिलेटेड है। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पोषण, न्यूट्रिएशन, जिसमें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं तथा पोषण की हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हमारे वीडियो को कमेंट करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पोषण, न्यूट्रिशन, यानी पोषण क्या होता है। पोषण का अर्थ है कि जीवों द्वारा अपने शरीर की वृद्धि, विकास, अनुरक्षण तथा सभी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। यानी जीवों के द्वारा अपने शरीर की वृद्धि यानी ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट और अनुरक्षण यानी बॉडी मेंटेन के लिए और सभी जैविक क्रियाएं यानी बायो एक्टिविटीज़ को के संचालन के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया को हम पोषण बोलते हैं। तो जो हमारा पोषण है, पोषण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पोषण जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है वो होती है पोषक पदार्थों से। पोषक पदार्थ क्या होते हैं आपको बता दूं मैं। पोषक पदार्थ ऐसे पदार्थ जो शारीरिक ऊतकों द्वारा संश्लेषित होकर जैविक ऑक्सीकरण द्वारा जैविक क्रिया हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व बोलते हैं। पोषक तत्व जिन्हें हम भोजन के अवयव भी बोल सकते हैं। तो आपको बता दूं, आइए जानते हैं कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, जो हमारे शरीर के मुख्य पोषक तत्व होते हैं, भोजन के जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो निम्न प्रकार के हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है विटामिन, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है वसा, पांचवा है खनिज लवण, और छठा है जल। दोस्तों, इन सभी पोषक तत्वों की हमारे शरीर को अति आवश्यकता होती है। इससे हमारे शरीर की प्रतिष्ठा बनती है और हमारे शरीर के अंदर रोगाणु से लड़ने की क्षमता आती है। ये जो पोषक तत्व है इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं मुख्य पोषक तत्व और दूसरे होते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, जिनकी हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा, हमारे शरीर को जिन पोषक तत्वों की ज़्यादा आवश्यकता होती है उन्हें बोलते हैं मुख्य पोषक तत्व और जिनकी कम आवश्यकता होती है उन्हें बोलते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। पोषक तत्व को दो प्रकार से विभाजित किया गया। पहला तो है मुख्य पोषक तत्व, मेजर न्यूट्रिएशन, और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएशंस। जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं उनमें वो है, पहला है कार्बोहाइड्रेट, जिनकी हमारे शरीर को अति आवश्यकता होती है। दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा फैट, और जिनकी हमारे शरीर को कम आवश्यकता होती है वो पोषक तत्व है
विटामिन्स, खनिज लवण यानी मिनरल्स, और जल वाटर। इसी के साथ कुछ अल्प मात्रा में हमारे शरीर को कार्बनिक अवयव की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों, हमारे शरीर को इन पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। पोषक तत्व की आवश्यकता, नीड ऑफ फूड। हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो जो जिसका पहला कारण है वो है ऊर्जा प्राप्ति के लिए, ऊर्जा के स्रोत, एनर्जी सोर्स। हम पोषक तत्वों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण करते हैं। हमें हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता विभिन्न कार्यों को करने के लिए होती है, एनर्जी सोर्स के लिए। जो इसका दूसरा कारण है वो हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए। जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है हमारे शरीर के लिए, पहला है एनर्जी प्राप्त करने के लिए ऊर्जा सोर्स के रूप में, और दूसरा है शारीरिक वृद्धि के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए, तीसरा है शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए, शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए, रिपेयर ऑफ डैमेज टू बॉडी पार्ट। रिपेयर ऑफ डैमेज टू बॉडी पार्ट। शरीर की आंतरिक मरम्मत के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए हमें पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। और जो चौथा इसका कारण है वो है रोगों से प्रतिरक्षा के लिए। ये जो पोषक तत्व है ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का निर्माण करते हैं, जिससे हमें रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है इन पोषक तत्वों से। जो इसका चौथा कारण है वो है रोगों से लड़ने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसेसेज। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसेसेज। ये जो पोषक तत्व के हमारे शरीर को ग्रहण करने के लिए जो कारण थे वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि पोषण कितने प्रकार का होता है। तो जो पोषण है वो दो प्रकार का होता है, पोषण दो प्रकार का होता है, पोषण दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। पोषण के प्रकार, पोषण दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषण होता है और दूसरा परपोषण होता है। स्वपोषण और परपोषण, दोस्तों आप जानते हैं कि पहले जानते हैं कि स्वपोषण क्या होता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, ना कि किसी दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कौन कौन से ऐसे सजीव है जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं? पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। जो इसका उदाहरण है स्वपोषी का वो है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं,
और परपोषण किसे कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हुए किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, इसे बोलते हैं परपोषण। इसमें जीव दूसरे पर निर्भर करते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो जो मनुष्य होता है वो परपोषी होते हैं। मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम किसी दूसरे दूसरे के सहारे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो पोषण के मुख्य प्रकार है वो दो प्रकार है, सपोषण और परपोषण। सपोषण में जीव स्वयं अपना भोजन बनाते हैं और परपोषण में दूसरों पर निर्भर करते हैं। जो स्वयं भोजन बनाते हैं उसका उदाहरण है पेड़ पौधे, और जो दूसरों पर निर्भर करते हैं उसका उदाहरण है हम मनुष्य। दोस्तों, ये मैंने वीडियो बनाई है पोषण के ऊपर। अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पर कमेंट करना, और ऐसे ही नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों, मिलती है अगले वीडियो में।